हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर देखेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट के जो ड्रग्स हैं उनका एक क्विक रिव्यू, जिससे कि वे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी हेल्प करें। तो फर्स्ट चैप्टर है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव क्या होती हैं? लैक्सेटिव आर एजेंट यूज फॉर क्योरिंग एक्यूट एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। इसमें पहली ड्रग है एलोए। इसका अगर बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो वी यूज द ड्राई जूस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ एलोए लाइक एलोवेरा, एलोए पेरी, एलोए अफ्रीकाना एट्सेट्रा, जो कि लीरियसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का देखें, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें एलोइन, जो कि मिक्सचर होता है बार्बेलोइन, बीटा बार्बेलोइन और आइसो बार्बेलोइन का। उसके अलावा इसमें एलोए इमोडिन एंथ्रोन और एलोए इमोडिन और एलोए इमोडिन एंथ्रोनोल पाए जाते हैं। यूज़ की बात करें तो एक कॉन्स्टिपेशन हम यूज़ करते हैं, एज ए लैक्सेटिव यूज़ किया जाता है, स्टमक एंड माउथ अल्सर में यूज़ किया जाता है, बर्न्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी ये शो करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो करता है, इमोलियंट की तरह वर्क करता है और इम्यूनो स्टिमुलेंट की तरह ये वर्क करता है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड ड्रग रुबार्ब। रुबार्ब का बायोलॉजिकल सोर्स देखिए तो ड्राइड राइजोम या रूट हम यूज करते हैं किसका, रियोम पालमेटम, जो कि किस फैमिली को बिलोंग करता है, पॉलीगोनेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम देखें, ग्लाइकोसाइड्स में पाया जाता है, एलोइमोडिन पाया जाता है, रिहिन पाया जाता है, एंथ्रोन, क्राइसोफेनोल और डायएंथ्रोन इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके यूजेस, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, बिटर स्टमक की तरह यूज़ किया जाता है, परगेटिव डायरेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, एस्टिंजेंट प्रॉपर्टी शो करता है, डिमल्सेंट प्रॉपर्टी शो करता है, कॉलिगो में यूज़ किया जाता है और एंटीस्पास्मेटिक प्रॉपर्टी ये शो करता है। थर्ड है इसमें कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है रिसिनस कम्युनिस, जो कि यूफोरबेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके सीड से ऑयल लिया जाता है जिसको हम कैस्टर ऑयल कहते हैं। केमिकल कॉन्स्टेंट इसमें मेन जो होता है रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है, कैंडल पाया जाता है, फाइटिन पाया जाता है और रेसिन पाया जाता है। इसके यूजेस को देखें, लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी ये शो करता है, कैथार्टिक की तरह यूज़ करता है एंड कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम में इसको यूज्ड करते हैं। नेक्स्ट है इसबगोल। इसबगोल का बायोलॉजिकल सोर्स की अगर देखें तो प्लांटागो ओवेटा के जो सीड्स होते हैं उसको हम यूज करते हैं, प्लांटाजिनेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। इसके जो केमिकल कॉन्स्टेंट है म्यूसिलेज जिसमें पाया जाता है, पेंटासन पाया जाता है, एल्डोबायोनिक एसिड, ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड और प्रोटीन इसमें पाया जाता है। यूजेस है ये डिमल्सेंट की तरह यूज करते हैं इसको, इमोलिएंट प्रॉपर्टी शो करता है, रूमेटिक पेन में यूज किया जाता है और अल्सर में भी इसको यूज़ किया जाता है। नंबर फाइव है इसमें सेना। सेना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है केशिया एंगस्टिफोलिया, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, इसकी ड्राइड लीव को यूज किया जाता है। इसके जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेनोसाइट ए, सेनोसाइट बी, सेनोसाइट सी और सेनोसाइट डी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें रेन, एल्योमिडिन, रेसिन, सैलिसिलिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट भी प्रेजेंट होता है। यूज़ की बात करें, लैक्सेटिव की प्रॉपर्टी शो करता है, प्रगेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, स्टिमुलेटिव प्रॉपर्टी ये शो करता है। तो ये था आपका लैक्सेटिव चैप्टर में जो फाइव ड्रग्स आपकी दी गई हैं, एलोए, रुबाब, कैस्टर ऑयल, इसबगोल और सेना। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक विच इम्प्रूव द फंक्शंस ऑफ हार्ट मसल्स। तो नंबर फर्स्ट ड्रग है इसमें डिजिटलिस। डिजिटलिस का जो बायोलॉजिकल सोर्स है डिजिटलिस परप्यूरिया, जो इसके फ्लोरेसी फैमिली को बिलोंग करता है, उसकी लीव्स या ड्राइड लीव्स हम यूज करते हैं, जो इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट पाया जाता है कार्डियोलाइट्स, परप्यूरिया, ग्लाइकोसाइड्स ए एंड बी और ग्लूकोजीटा लॉक्सिन, डिजिटोनिन, जीटोनिन मेन केमिकल कॉन्स्टेंट इसमें पाए जाते हैं। तो ऐसे कार्डियोटोनिक की तरह वर्क करता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी इसको यूज किया जाता है। सेकेंड ड्रग है इसमें अर्जुना। अर्जुना की बार्क हम यूज करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज का टर्मिनेलिया अर्जुना कॉम्बरेटिसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है अर्जुनोलिक एसिड्स में पाया जाता है, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनोजैनिन, अर्जुनोन और कैल्शियम साल्ट या फिर मैग्नीशियम साल्ट और एल्यूमिनियम साल्ट भी इसमें पाया जाता है। यूजेस क्या है, इसको कार्डियोटोनिक की तरह यूज़ करते हैं, डायरेटिक में यूज़ किया जाता है, अस्थमेटिक जो प्रॉब्लम होती है उसमें यूज़ किया जाता है, एंटी डायसेंट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है और मेंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल को और हार्ट फंक्शन को ये इम्प्रूव करने का वर्क करता है। नंबर थर्ड चैप्टर है कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स। कार्मिनेटिव आर सोदिंग ड्रग्स विच एक्ट बाय रिलीविंग स्टमक एंड इंटेस्टाइनल पेन एंड एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम जीआईटी। नंबर फर्स्ट ड्रग इसमें कोरिएंडर, धनिया। कोरिएंडर की हम ड्राइड या फ्रेश लीव्स या फिर इसके जो राइप फ्रूट्स होता है उसको यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका
कोरिंड्रम सैटिवम जो अम्बेलीफेरी फैमिली को बिलोंग करता है, इसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन, डीलाइनोलोल, कोरिएंड्रल एसिटेट, ग्रेन्यूल एंड पाइनिन इसमें पाया जाता है। कुछ यूजेस इसमें यहाँ पर हैं, जैसे कम्युनिटी प्रॉपर्टी ये शो करता है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, डायरेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई में यूज किया जाता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट में सेकेंड ड्रग फेनल, फेनल सोफ। फेनल का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, फोनिकुलम वल्गेर अम्बेलीफेरी फैमिली को ये बिलोंग करता है। तो फेनल का हम क्या करते हैं, ड्राई ड्राई फ्रूट को यूज किया जाता है। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें फेनकोन पाया जाता है, पाइनिन पाया जाता है, लाइमोनिन पाया जाता है, एनेसिक एसिड पाया जाता है और फ्लैंड्रिन इसमें प्रेजेंट होता है। प्रॉपर्टी या फिर यूजेस की बात करें तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी शो करता है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी शो करता है, एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, इम्यूनोग्रोथ प्रॉपर्टी शो करता है और माउथ एंड डेंटल प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड ड्रग है इसमें अजवाइन। अजवाइन का जो बायोलॉजिकल सोर्स है ट्राइकाइस्पर्मम एमी और अम्बेलीफेरी फैमिली को ये बिलोंग करता है। इसमें वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, टैनिंस, थायमोल, पाइनिन, ट्राइपाइनिन, डाइपेंटिन्स, पैरासाइमिन एट्सेट्रा इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंटीस्पाज्मेटिक प्रॉपर्टी ये शो करता है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी शो करता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है, एंटीफंगल प्रॉपर्टी शो करता है, एंथर्मेंटिक प्रॉपर्टी शो करता है, स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी शो करता है और इंसेक्टिसाइड एट्सेट्रा प्रॉपर्टी शो करता है। नंबर फोर है इसमें कार्डेमम। कार्डेमम यानी कि इलायची, इसके बायोलॉजिकल सोर्स है इलेक्ट्रिया कार्डेमम बिलोंग टू फैमिली जिंजिबेरेसी फैमिली को ये यूज जो है बिलोंग करता है। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वोलेटाइल ऑयल इसमें पाया जाता है, स्टार्च एंड अल्फा एंड बीटा पाइनिन पाया जाता है, लाइमोनिन, ट्रपाइनोल, मिथाइल यूजिनोल, मिर्सिन, ग्रेन्यूल, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो कार्डेमम स्टिमुलेंट की प्रॉपर्टी शो करता है, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, ओबेसिटी में यूज किया जाता है, नोजिया में इसको यूज़ किया जाता है, डायरेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी स्पास्मेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है और टीथ या गम के जो इन्फेक्शन होता है उसमें इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है जिंजर। जिंजर अदरक जो जिंजिबर ऑफिसिनल और जिंजिबेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। इसमें अल्फा जिंजिबरीन, वोलेटाइल ऑयल, अल्फा कैरनेसिन, जिंजिरोल एंड अल्फा कर्क्यूमिन एट्सेट्रा ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। एज ए स्टमक यूज किया जाता है, एज एरोमेटिक की तरह यूज़ किया जाता है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी शो करता है, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट भी ये यूज करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी ये शो करता है। नेक्स्ट है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर काली मिर्च, बायोलॉजिकल सोर्स का क्या है, पाइपर नाइग्रम या पाइपरेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पाइपरिन पाया जाता है, वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, पाइपरेसिक पाया जाता है, फ्लैड्रिन पाया जाता है और कैरीफाइलिन पाया जाता है और पाइपरेटिन इसमें मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। प्रॉपर्टी स्टमकिक प्रॉपर्टी शो करता है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी शो करता है, कॉन्डिमेंट में यूज़ किया जाता है और स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी ये शो करता है। नंबर सेवन जगह एसाफोइटिडा यानी कि हींग। फेरुला फोइटिडा इसका बायोलॉजिकल सोर्स है और अम्बेलीफेरी फैमिली को ये बिलोंग करता है। इसमें रेजिन, गैलेटोनिक एसिड, गम, यूजिनोल, वोलेटाइल ऑयल, सल्फर, पाइनिन एट्सेट्रा ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। कम्युनिटी प्रॉपर्टी ये शो करता है, एंटीस्पास्मोटिक में की तरह यूज़ किया जाता है, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी शो करता है और नर्विंग स्टिमुलेट का ये वर्क करता है। नंबर एट है इसमें नटमग यानी कि जायफल। मिस्टिका फ्रेग्रेंस उसका बायोलॉजिकल सोर्स है और मिस्टेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है मिस्टेसिन, एलिमिसिन, टर्पीन, एल्कोहल, कैम्फीन, सैफ्रोल, यूजिनोल, आइसोजिनोल, फैट, स्टार्च और सैफ्रोलिन इसमें पाया जाता है। एरोमेटिक प्रॉपर्टी ये शो करता है, कम्युनिटी फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, स्वेलिंग में इसको यूज किया जाता है, एनेस्थेटिक एक्शन ये शो करता है, आल्सो एज हेयर टॉनिक, हेयर को जो ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करने का भी ये वर्क करता है। नेक्स्ट है सिन्नामन दालचीनी। सिन्नामोमम जेलेनिकम लोरेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। वोलेटाइल ऑयल, फ्लोबेटानिन, म्यूसिलेज, कैल्शियम ऑक्सलेट, स्टार्च, ग्रेन, मैनिटोल, सिन्नामेल्डिहाइड, यूजिनोल, टर्पिन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है इसके यूजेस। कम्युनिटी प्रॉपर्टी शो करता है, स्टमक प्रॉपर्टी शो करता है, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया जाता है, स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी शो करता है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो करता है, एंटीसेप्टिक
की तरह यूज़ करते हैं, डायबिटीज़ में यूज़ किया जाता है, एचआईवी में यूज़ किया जाता है और वॉन्ड्स को हील करने में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्लोव यानी कि लौंग। क्लोव यूजिनिया कैरियोफाइलस जो मिर्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है उससे लिया जाता है। वोलेटाइल ऑयल इसमें पाया जाता है, टैनिन्स पाया जाता है, कैलेटोनिक एसिड, रेजिन, यूजिनिन, यूजिनॉल, कैरियोफाइलिंस, अल्कोहल इसमें पाए जाते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी शो करता है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज़ किया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शो करता है, टूथ डिके में यूज़ किया जाता है, एपेटाइट को इम्प्रूव करता है, इन वॉमिटिंग यानी नोजिया कंडीशन में इसको यूज़ करता है, डायरिया में इसको। तो ये आपके तीन चैप्टर्स थे, लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक्स, कम्युनिटी एंड जीआई रेगुलेटर्स। इसके अलावा भी इसमें आप और केमिकल कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ेस को ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।